No. तो दोस्तों फर्स्ट में जो आपने एक वीडियो देखा, फिर से हमारा जो सेम टू सेम वैसा ही कैरेक्टर आया और कुछ इस तरह से लेके उसको चला गया। तो ये जो वीडियो आप किस तरह से बनाएंगे, तो फर्स्ट में अगर बात करेंगे तो ग्रीन स्किन के बारे में, दोस्तों ग्रीन स्किन आपको एक परचेस कर लेना, जिसके पास है उसके पास कोई टेंशन नहीं है। अगर ग्रीन स्किन नहीं है तो आप कोई भी एक कलर का कपड़ा यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जस्ट मोबाइल को स्टैंड करना है, कुछ इस तरह से नीचे बिछा देना है और जस्ट मेरे जैसा आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग वगैरह कर लेना है। और जैसे दोस्तों आपका एक्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एडिट कैसे करना है। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको काइन मास्टर को ओपन करना है। जैसे आप काइन मास्टर ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो न्यू प्रोजेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर 16:9 सिलेक्ट करके आपको यहाँ से कर लेना है क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद आपका मीडिया का ऑप्शन आएगा, आपको मीडिया में जाके जो आपने मोबाइल से वीडियो को शूट किए थे उस वीडियो को ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो आपको क्या करना है, जो गाइस मेरा यहाँ से एंट्री हो रहा है तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा सामने का एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको ट्रिम में जाके यहाँ से कर देंगे ट्रिम टू लेफ्ट। ओके, तो ट्रिम टू लेफ्ट करने के बाद आपको चले जाना यहाँ पर साउंड का ऑप्शन है, जो आपका बैकग्राउंड का साउंड नहीं चाहिए उसको यहाँ से ऑफ कर देना है। देन आपको वीडियो को प्ले करके देख लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ उसके बाद जहाँ पर मैं जंप करूँगा उसी जगह पर जहाँ पर आप जंप कर रहे हैं आपको पर पॉज कर देना है। तो जैसा गाइस मैं देखता हूं तो दोस्तों देख सकते हैं इसी जगह पे मैं पॉज कर देता हूं। और पॉज करने के बाद आपको वीडियो को क्लिक करना है और यहां से ट्रिम में जाना है और यहां से आपको एक बार स्प्लिट लगा लेना है, ठीक है। और स्प्लिट लगाने के बाद आपका जो ये वाला पार्ट है ये हो गया। अभी आपको यहां से देख सकते हैं मेरा और एक कैरेक्टर आ रहा है, तो आपको उससे थोड़ा सा पहले आपको रखना है, देन आपको चले जाना ट्रिम में और यहां से फिर से आपको कर देना ट्रिम टू लेफ्ट। ओके, ट्रिम टू लेफ्ट करने के बाद यहां से अगर मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो हमारा वीडियो यहां पर जंप हो रहा है उसके बाद, तो यहां पर अभी शायद हमारा हो चुका देख सकते हैं। बस ऐसा आपको कर देना है अपने वीडियो को लास्ट तक। ओके, देन आपका ये जो काम है आपको इसी जगह पर रखना है जहां पर आपने स्प्लिट लगाया था। आपको चले जाना यहां पर कैप्चर के ऑप्शन में और यहाँ से जो देखेंगे तो कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन आता, आपको यहाँ से कैप्चर एंड सेव कर लेना है। देन आपको चले जाना पिक्सआर्ट पर और इसका जो फोटो का PNG वो आपको निकाल लेना। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे आप पिक्सआर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कुछ इस तरह का। आपको चले जाना एडिट ए फोटो में, जैसे चले जाएंगे आपका गैलरी आ जाएगा और जो फोटो अभी आपने कैप्चर किया उस फोटो को ले लेना। देन आपको चले जाना टूल के ऑप्शन में, टूल में जाने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है क्रॉप और देन कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है खुद का जो फोटो है उसको जस्ट आपको लेना है। इसमें से क्या होगा जल्दी से आपका फोटो जो PNG निकल के आने वाला है। और आपको चले जाना कटआउट के ऑप्शन में, देन आपको यहाँ पर जाना आउटलाइन में और कुछ इस तरह से आपको एक ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। खुद का जो आपका फोटो है उसके ऊपर ही आपको ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो हर जगह पे थोड़ा सा खराब होगा, जैसे गाइस इस जगह पे, तो यहाँ पर आपको ब्लाइंड कर देना है। तो देखेंगे तो इस जगह पे थोड़ा सा खराब है, आपको क्या करना है इरीज में चले जाना है, इरीज को कुछ इस तरह से आपको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके आपको इसको हटा देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये तो गाइस आप आराम से कर पाएंगे, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना है। तो ये मैंने कर लिया था पहले ही, ठीक है। तो इसको अभी क्या करना है, जैसे आपका हो जाएगा आपको यहाँ पर राइट कर देना है, देन आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर से चले जाना है काइन मास्टर में, आपको इसी पोजिशन पर रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चले जाना लेयर के ऑप्शन में, उसके बाद आपको जाना मीडिया का ऑप्शन में और जो अभी आपने पिक्सआर्ट से बनाया दोस्तों बस उसको आपको ले लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ले लिया। अभी आपका काम है इसको कुछ इस तरह से छोटा करके पहले तो एडजस्ट कर लेना है, खुद के जो आपका फोटो होगा उसके अंदर आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए एडजस्ट मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्ट हो गया है। अभी जो आपका काम है आपका इसका ड्यूरेशन को पहले देखना है। तो देख सकते हैं ये जो हम करेक्टर आ रहा है इससे पहले आपको रखना है कुछ इस तरह से। ओके, देन इसी जगह पे रखने के बाद जो आपका ड्यूरेशन होगा इसको जो गाइस आपको जस्ट इसी पोजीशन पे रख देना है। ये आपका काम हो गया। अभी आपका है आपको फास्ट में आ जाना है और दोनों उंगली से कुछ इस तरह से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पोजीशन पे रखना है, आपको चले जाना यहाँ पर जो की फ्रेम के ऑप्शन में और यहाँ से आपको एक प्लस लगा लेना है। देन आपको एकदम लास्ट में आ जाना है कुछ इस तरह से और आपको यहाँ पर फिर से और एक प्लस लगा लेना है और इसको जो गाइस आपको कुछ इस तरह से छोटा करके, तो चलिए यहाँ पर मैं इस पोजीशन पे रख देता हूँ, इस कोने में आपको रखना है और इसको जो गाइस कुछ इस तरह से आपको और छोटा कर देना है। देन आपको यहाँ से बैक करना है और आपको चले जाना यहाँ पर आउट एनिमेशन के ऊपर, देन आपको यहाँ पर जो फेड कर देना है। जैसे फेड करेंगे तो ये फेड हो गया। अभी यहाँ से अगर मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो यहाँ पर हमारा वीडियो अभी बन के तैयार हो गया, बट अभी थोड़ा सा कम बचा हुआ जो देख सकते हैं ये और भी स्पीड में होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका ड्यूरेशन को फिर से छोटा कर देंगे। ओके, जितना छोटा करेंगे उतना ही आपका वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं छोटा कर दिया, देख सकते चला गया, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और सही देखते हैं पहले ये सही होगा। तो यहाँ पर अभी मैं प्ले करके देख लेता हूँ तो ये सही है। ओके, तो ये हमारा हो गया अभी काम आपका।
तो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको लास्ट तक देख लेना है। तो ये जैसे मैं इसको सब यहाँ से ले रहा हूँ एक एक करके, मतलब ये सब हटा रहा हूँ, ओके वो कहाँ चला गया। तो कुछ इस तरह से आपको ये वाला पहले सेटअप को कर लेना है रेडी। देन आपको चले जाना है यहाँ पर सेव के ऑप्शन में और यहाँ से इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आपको कैपकट में नहीं तो इनशॉट में जाना है। उसमें से क्या होगा दोस्तों, जो आपका बैकग्राउंड का जो ग्रीन स्क्रीन है वो अच्छे से रिमूव होने वाला है। तो पहले आपको यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए एक्सपोर्ट करके अभी आपको दिखाएंगे कैसे आपको इनशॉट से वीडियो को और थोड़ा सा एडिट करना है। यहाँ पर आपको इनशॉट नहीं तो कैपकट जो भी आपके पास रहेगा आपको जस्ट ऑन करना है। उसके बाद आपको चले जाना वीडियो का ऑप्शन में, यहाँ पर आ जाएगा देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट जो न्यू ऑप्शन आता है। और आपको जो पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेना है, ठीक है, ब्लैंक यहाँ पर इमेज या कुछ भी आपको यहाँ पर ले लेना है। देन इसका ड्यूरेशन का आपको रखना है, जितना सा आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा उतना सा आपको रखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पर पीप के ऑप्शन में। देन पीप के ऑप्शन में जाने के बाद जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को आपको ले लेना है। जैसे गाइस मेरा ये वाला वीडियो है तो मैंने यहाँ पर ये वाला वीडियो को ले लिया और इसको कुछ इस एरो को पकड़ के आपको इसको फुल कर देना है। और फुल करने के बाद अभी आपको चले जाना यहाँ पर देखेंगे तो क्रोमा का ऑप्शन आता है इसी जगह पे, क्रोमा में चले जाना है। देन ये जो डॉट आता है सर्कल करके इसको आपको अपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रख देना है और इसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए इसको मैं इतना सा एडजस्ट कर लेता हूँ, शेडो को थोड़ा सा दे देता हूँ, देन यहाँ से राइट कर देता हूँ। ये काम भी आपका हो गया। अभी आपको फिर से चले जाना पीप के ऑप्शन में और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा मतलब नीचे देने के लिए उस वीडियो को आपको चूज़ करना है। और मैंने इस वीडियो को चूज़ किया। अभी क्या करेंगे, इसका जो साउंड वगैरह सब कुछ मैंने ऑफ कर दिया। और इस वीडियो को जो गाइज आपको क्या करना है, इस एरो को पकड़ के इसको भी कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है। देन आपको इसके नीचे रखना है कुछ इस तरह से और जैसे आप खुद के वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। ऐसे करने के बाद जैसे आप यहाँ से वीडियो को प्ले करेंगे, ओके, देन आपको यहाँ से वीडियो को अगर मैं प्ले करूँगा तो हमारा वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर आप आग भी दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। देन ये मैं चला गया और यहाँ पर खुद का मेरा जो और एक कैरेक्टर आ चुका है और इसको कुछ इस तरह से यहाँ से हटा रहा है। तो ऐसा करके आपको बनाना है। यहाँ पर आप जो भी साउंड या जो भी साउंड इफेक्ट जो भी आपको देना है यहाँ पर आप दे सकते हैं म्यूज़िक को। देन आपको ये हो जाने के बाद जो भी लास्ट में आपका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उस पार्ट को आपको यहाँ से हटा देना है और हटाने के बाद यहाँ से राइट करना है। और जो यहाँ से आपका सेव का ऑप्शन आएगा दोस्तों ऊपर में, आपको सेव में जाके यहाँ पर वीडियो को सेव कर लेना है। तो फाइनली कुछ इस तरह से अगर आप अपने वीडियो को बनाएंगे तो आपका वीडियो जो होगा थोड़ा सा यूनिक लगेगा। आप यार VFX वीडियो किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लॉग में नहीं तो इंस्टाग्राम किसी भी जगह पे, तो आपको कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेना है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल में नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ लेकिन को प्रेस भी कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।